शांति। आज बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा वननेस का अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, वननेस का अर्थ है एक समान, अर्थात आपका व्यवहार स्वयं के साथ और सभी आत्माओं के साथ एक समान हो। जब जीव आत्मा अज्ञानी होती है तो स्वयं को तो श्रेष्ठ समझ या स्वयं से अत्यधिक प्यार करने के कारण कोई गलती होने पर दूसरे को दोषी ठहरा देती है और दूसरों को जल्दी से क्षमा भी नहीं कर पाती। और जब ज्ञानवान बन जाती है तो दूसरों को तो क्षमा करना चाहती है परंतु स्वयं की गलती का मनन कर लेती है, जिस कारण गलती संकल्पों में चली जाती है। परंतु बच्चे, 100% बैलेंस चाहिए, अर्थात कोई बात भी हो जाए उसे बाहर की समझ, उसे झट से बाहर ही साफ कर अपनी स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि यह अंतिम समय तमो प्रधानता का चल रहा है, जहां गलती होना स्वाभाविक है। बस उसे झट बिंदु लगा अपने ऊंचे स्वमान में स्थित होना ही हाई वाइब्रेशन में स्थित होना है। देखो बच्चे, बाबा को इस दुनिया में अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, मेरा तेरा कुछ दिखाई नहीं देता। बस बाप को तो आत्माओं की कैपेबिलिटी नज़र आती है, अर्थात किस आत्मा में कितनी चमक है और वो कितना अपना भाग्य बना पाएगी, जिस कारण बाबा सभी आत्माओं पर एक समान रहम और कल्याण करता है। किंतु योग्य आत्माओं को समझानी दे, स्वयं के समान बना, स्वयं के समीप ले आता है। अब आप बच्चों का भी बाप समान व्यवहार कहो, शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए। बस बच्चे, अब तो आप बच्चे बाप समान 100% सीट पर सेट होने ही वाले हो और बाप को तो परिवर्तन भी नज़दीक ही दिख रहा है। वैसे भी जो डेट फिक्स हो चुकी है उससे पहले ही सारी तैयारी हो जाएगी, जिससे कार्य शांति और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। देखो, यह आपके संगठन की वाइब्रेशंस परिवर्तन के कार्य की स्पीड को तीव्र कर देती हैं। और जब ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो जाती है तो सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और उस समय सभी तरफ से किनारा कर लेते हैं, अर्थात हलचल को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति।